आज मैंने कठुआ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल किया है और मेरे साथ आज ऊपर करके पूर्व भाजपा के जिला प्रधान पाल महाजन जी, बी डी सी कठुआ के प्रेजिडेंट वीर सिंह जी, हम सभी ने वहाँ जाके फार्म भरा चने ऑफिसर के आपस में। इससे पहले हम सारे लोग मुखर्जी चौक में हमारा एक जनसभा थी, जनसभा में हमने सबसे पहले हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को हमने फूलार्पण अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी, क्योंकि उनकी वजह से ही जब वो हमारे स्टेट में 370 के खिलाफ उन्होंने फिर से आवाज़ उठाई थी कि एक कंट्री में दो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकते, दो फ्लैग नहीं हो सकते, तो उन्होंने अपनी शहादत भी दे दी। उनको उनकी शहादत को हमने आज याद किया, उनको नमन किया और हमारे डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने सभा को संबोधित किया, हम सभी ने संबोधित किया और आपने देखा कि कितना जन समूह था वहाँ और जगह जगह पे लोगों ने, चाहे हमारी व्यापार मंडल है या बाकी एसोसिएशन है बाजार की या आम लोग जो है सारे सड़कों पर आए थे, उन्होंने जगह जगह हमारी जो रैली को रोक दिया, हमारा स्वागत किया, उससे हमारा उत्साह बड़ा बढ़ा है और हमें पूरा यकीन है इस उत्साह को देखते हम पीछे थे। महिलाएँ बड़ी तादाद में आई थी और उसके बाद जब डॉक्टर मुखर्जी चौक से हम निकले और जिस प्रकार से लोगों ने स्वागत किया, फूल मालाएं पहनाई, फूलों की वर्षा की और जो उत्साह में देख रहा था, मैं आपको बताऊंगा कि कॉलेज के सामने से निकले तो कॉलेज की बच्चियां बाहर खड़ी थी जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, जिस प्रकार से उन्होंने स्वागत किया, तो डॉक्टर भारत भूषण बेशक वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं लेकिन उनको अपार समर्थन जो है उनको आम लोगों का है, तो हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में जो जिस मार्जिन से हम पूरे जम्मू कश्मीर में जीतेंगे सीटें, उनमें कुछ गिनी चुनी सीटें होंगी जिसमें इतने बड़े मार्जिन से जीतेंगे, उस मार्जिन से हम जो है कठुआ की सीट जीतेंगे और डॉक्टर भारत भूषण जी जो है हमारे